नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। इंडियन नेवी अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर MR की भर्ती आ चुकी है। ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हो चुका है, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे आवेदन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारा प्रोसेस देखेंगे। और अगर आपको पूरी डिटेल पढ़नी है तो रोजगारबिहार.com पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप देख पाएंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देख पाएंगे, उम्र कितनी है, ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूं कि इसमें अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, अविवाहित महिला और पुरुष। और पूरी डिटेल आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। तो यहाँ रोजगारबिहार.com पे आने के बाद आपको लिंक वगैरह भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिटेल देख लेते हैं कि ऑनलाइन डेट जो है वो शुरू हो चुकी है 25/7/2022 से, लास्ट डेट 30/7/2022 होगा। और एग्जाम और फिजिकल टेस्ट जो है अक्टूबर 2022 में आयोजित की जाएगी, और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 21/11/2022 से। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है किसी भी कैंडिडेट को। उम्र 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास होनी चाहिए, मैट्रिक पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तीन पोस्ट है दोस्तों, अग्निवीर MR सेफ और अग्निवीर MR स्टेवर और अग्निवीर हाइजेनिस्ट। तो ये तीन पोस्ट है, तीनों में आप एक साथ आवेदन कर सकते हैं। एक ही बार आवेदन करिएगा, तीनों में अप्लाई हो जाएगा। हाइट की बात करें तो देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर पुरुषों की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वजन जो है आपके हाइट के अनुसार होनी चाहिए। रेस जो है आप देख पा रहे होंगे, पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी 6 मिनट 30 सेकंड में, और महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर में दौड़नी है, जो कि 8 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। पुरुषों के लिए 6.5 मिनट और महिलाओं के लिए 8 मिनट। और वही उठक बैठक 20 है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 15 है। पुशअप्स आप देखेंगे 12 है पुरुषों के लिए, महिलाओं को पुशअप्स नहीं लगाना है। सिटअप्स जो है वो पुरुषों को नहीं लगाना है, लेकिन महिलाओं को 10 बार लगानी है। वहीं फीमेल बताया गया है कि प्रेग्नेंट फीमेल जो होंगे वो डिस्क्वालिफाई कर दिए जाएंगे, इसलिए जो प्रेग्नेंट है वो आवेदन ना करें। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि ब्लू बैकग्राउंड का होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप NCC कैडेट वगैरह हैं तो NCC सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। सेवानिधि के रूप में आपको कितना पैसा मिलेगा, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है, और इसके साथ साथ लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। अगर नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। और जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए रजिस्ट्रेशन का पेज खुल चुका है। यहाँ दो माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक तो आधार कार्ड वर्चुअल आधार का आईडी के साथ, आधार वाले के साथ, या फिर विथाउट आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करना है, आपको वर्चुअल आईडी डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप आधार लिंकेड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल के कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नहीं है आधार का, तो आप आधार पोर्टल पे जाके पहले आप अपना आधार वर्चुअल आईडी जनरेट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे विथआउट रजिस्टर आधार कार्ड वाले पे ही रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे कि वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, और 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट है, तो इनमें से कोई भी कुछ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पैन कार्ड दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पैन नंबर अपना डाल देंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरना है, जैसे कि नाम हो गया, फर्स्ट नेम भरना है, ठीक है। नाम भरने के बाद यहाँ पे मैं लास्ट कर देता हूँ, लास्ट नेम डाल देता हूँ। अगर आपका मिडिल नेम में भी कुछ है तो मिडिल नेम में डालेंगे, नहीं तो खाली रह देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मदर नेम, फादर नेम जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, गार्जियन का नाम डालना चाहते हैं तो डाल देंगे। और यहाँ पे आपका जो पैन या आधार नंबर दिए थे वो आपको दिखाई देने लगेगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट करके डालेंगे, या फिर लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, इंडियन या नेपाली या
भूटानी जो भी है आप कर सकते हैं। और यहाँ पे डोमिसियल आपका क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देना है, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, उसके बाद शादीशुदा है या सिंगल है वो आपको करना है, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका जैसा तिल का निशान, कटे का निशान वगैरह, तो दो पहचान चिन्ह यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको पूछा पूछा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, तो यस कर सकते हैं या नो नो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पैन कार्ड है कि नहीं तो यस नो कर सकते हैं। अब आपके पास वोटर कार्ड है कि नहीं तो वो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पासपोर्ट के बारे में पूछा जाता है कि आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आप यस करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं तो ये आपको यस नो करना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाई देगा, तो इस पे क्लिक करते ही देखिए अब एजुकेशनल डिटेल आपसे पूछा जाता है, जैसे कि प्लीज सेलेक्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन भी आपको सेलेक्ट करके डाल देनी है। अब आपका हाईएस्ट स्ट्रीम दिखाई देगा यहाँ पे, तो इस पे आपको सेलेक्ट करना है पीसीएम है या पीएमबी है, जो भी आपका है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है या फिर फिजिक्स मैथ बायोलॉजी है, जो आपका है वो आपको सेलेक्ट करके डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशंस में अगर कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास कुछ है जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कुछ और भी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे, और अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे खाली रहने देंगे। और अकाउंट डिटेल यहाँ पे आते हैं तो देखिए क्लिक करते ही देखिए आप यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं अपना बनाकर, और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। ठीक है, पासवर्ड बनाएंगे कम से कम 8 अंकों का पासवर्ड बनाइएगा ईमेल आईडी डालकर, और यहाँ पे 8 अंकों का पासवर्ड यहाँ पे डाल के कंफर्म कर लेना है, और ये कैप्चा डालकर यहाँ पे एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस के लिए स्टेट पूछा जाता है, तो जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके डाल देना है, और फिर ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सेव कर लेना है। अब दोस्तों आपका लॉगिन पेज खुल जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो आपने डाला था वो यहाँ पे डाल के, और यहाँ पे पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, और ये कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों आपका लॉगिन पेज खुल जाता है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालनी है और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो डालना है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। अब फिर से दोस्तों आपको स्टेट आपका पूछा जाता है, तो जो भी आपका स्टेट है उसे सेलेक्ट करके डाल लेंगे। ठीक है, डालने के बाद ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और सेव कर लेंगे, और आपको एक मैसेज भी यहाँ पे दिखाई देगा कि अकाउंट कन्फर्मेशन इज रिक्वायर्ड, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर द कन्फर्मेशन लिंक। तो आपको एक कन्फर्मेशन लिंक आपके ईमेल आईडी पे भी भेजी जाती है, तो उसको उस पर क्लिक करके आपको कन्फर्मेशन कन्फर्म कर लेना है अपने अकाउंट को। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे होंगे मैंने ईमेल आईडी को खोल के रखा है। अब यहाँ पे आपको लिंक मिलता है क्लिक हेयर टू कन्फर्म योर ईमेल, तो इस पर जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए अब पोर्टल जो है खुल चुकी है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ओटीपी भेजी जाती है आपके मोबाइल पे, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है। डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेना है। दोबारा से लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका एजुकेशनल डिटेल को पूरा डिटेल को फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है, 1 MB तक का आप अपलोड करेंगे, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भरना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपका कितना मार्क्स है, टोटल फुल मार्क्स कितना है, कितना आपका मार्क्स आया है। ठीक है, भरने के बाद यहाँ पे आपका आता है प्लीज सेलेक्ट सब्जेक्ट परसेंटेज, ऑप्शनल में अगर आपने कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ा है तो वो आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर मार्कशीट का डालना है या फिर रोल नंबर डाल सकते हैं, और स्टेट एग्जाम कौन से स्टेट से आपने पास किया है वो आपको डालना है, और उसके बाद बोर्ड एजुकेशन कंडक्टर जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी आपका है उसे आपको सेलेक्ट करके डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे 10th का डिटेल आपसे पूछा जाएगा, ऊपर आपका 12th का था, यहाँ पे 10th का डिटेल यहाँ पे भर देना है, और यहाँ पे जो है आपका मार्कशीट वगैरह अपलोड कर देना है। करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे, सेव कर लेंगे, तो आपका अकाउंट जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिल करना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका स्टेट है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस पूरा फुल करने के बाद यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी आपको फिल करनी है, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड
करना है, ठीक है। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो कि 100 KB तक का आप अपलोड कर सकते हैं फोटो सिग्नेचर। और वहीं आपको यहाँ पे स्टेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सेव कर लेना है। सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देगा उस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से रोजगारबिहार.com पे आ जाना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिल जाता है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का, तो लॉगिन पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। देखिए लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये कैप्चा यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाई देगी, ये कैप्चा आपको भरना है। ये देखिए कैप्चा आ चुका है, ये कैप्चा यहाँ पे भर के सेव बटन पे क्लिक करना। सेव बटन पे क्लिक करते ही देखिए दोस्तों आप अब देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे क्या करना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी यहाँ पे भरना है और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पुराना वाला पासवर्ड जो है आपको प्राप्त कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे भर के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही दोस्तों अगर आपने पहले कोई आवेदन कर रखा है, देखिए जैसा कि इनका SSR पोस्ट के लिए पहले ये आवेदन कर चुके हैं तो इनका दिखा रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटी जो दिखाई देगी इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप करंट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करते हैं 1-2 सेकंड का टाइम लेता है, यहाँ पे अब आपका आ चुका है, देख सकते हैं अग्निवीर MR सेफ, अग्निवीर MR स्टेवार्ड और अग्निवार MR हाइजीनिस्ट। तो बस आपको अप्लाई, अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो अप्लाई पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे डिटेल कुछ आपको दिखाई देने लगेगी, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे जो है टिक कर लेना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 19,123 फॉर्म जो है अभी तक जिस समय मैं फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ उस टाइम 19,123 लोग आवेदन कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम लिखना है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार मार्कशीट में जो आपका नाम सेम टू सेम यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, नीचे आना है और इस पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट वाला 4 अंक यहाँ पे डालना है, 4 डिजिट, और अगर आपको पैन कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर नहीं दिखाई दे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको आपका क्वालिफिकेशन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट कम से कम आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैं पहला देखिए कर लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो ये इस प्रकार से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे मिलिट्री रिकॉर्ड के बारे में डिटेल मांगेगा, जैसे कि अगर आप डिस्चार्ज है पहले किसी आर्म फोर्स से तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मैं यहाँ पे तीनों के तीनों में नो कर देता हूँ, जैसे कि एनसीसी कैडेट वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे मैं तीनों पे नो कर चुका हूँ और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका दोस्तों एड्रेस दिखा देगा, एड्रेस में अगर सीधे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिसलेनियस में आपको क्या करना है कि आपसे पूछा जाता है कि आपको इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज के बारे में कहाँ से पता चला, एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फेसबुक या किसी और माध्यम से, तो मैं यहाँ पे अदर कर देता हूँ, ठीक है, एनी अदर। तो या और यहाँ पे आपसे जॉब के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो ये आपको बताना है, तो मैं इसमें भी एनी अदर कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आपको तैरना आता है, स्विमिंग आती है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मैं यहाँ पे यस करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल देनी है, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या अगर आपने अपलोड कर दिया है रजिस्ट्रेशन के वक्त ही, तो आपको दोबारा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप अपलोड नहीं किए हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड करने का, आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम मैंने अपलोड कर दिया था, तो यहाँ पे अपलोड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अगर आपको कोई और एडिशनल डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे NCC वगैरह वाला, तो यहाँ पे ऐड मोर करके आप अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रिफरेंस आपसे मांगा जाता है कि कौन से पोस्ट पे सबसे पहले आप जाना चाहते हैं, जैसे पहला तो आपका सेफ है कुक वाला, दूसरा है स्टेवर्ड वेटर वाला और तीसरा है झाड़ू पोछा वाला। तो यहाँ पे जो भी आप करना चाहें, पहले देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट पे 1 नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद सेकंड में डाल देता हूँ 2 नंबर
और थर्ड में डाल देता हूँ 3 नंबर कर। इतना करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू दिखा देगा, प्रीव्यू आप लोग देख लीजिएगा, अगर कुछ गलती रहे तो उसे सुधार कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली अब मैं सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा और फॉर्म को सबमिट कर लूंगा। अब आपसे कहा जाएगा कंफर्म करने के लिए, तो कंफर्म करने के लिए यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब आपको मैसेज मिल जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव सक्सेसफुली, और आपका एप्लीकेशन नंबर दिखा देगा। अब यहाँ पे चाहे तो आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों डाउनलोड हो चुकी है, इसको प्रिंट आउट करके रख लेना है, सुरक्षित भविष्य के लिए इसमें आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आवेदन करना है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।